हेलो फ्रेंड्स, मैं आरडी आप सभी का आसू जी के ट्रिक परिवार के सभी साथी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे तार्किक क्रम में शब्द निर्माण यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर से रिलेटेड जो प्रश्न आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं उनकी चर्चा करेंगे आज। और जैसा कि आप जानते हैं कि अल्फाबेट हमने पहले पढ़ी है और अल्फाबेट को आप क्रम दर क्रम पढ़ते हुए आ रहे हो, और अल्फाबेट सीखने के बाद आपने शब्द संरचना से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी बातें देखी हैं पिछले वाले वीडियो में। यदि पिछले वाले वीडियो में आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हैं, वहां बिल्कुल क्रम दर क्रम उनको हमने अरेंज कर रखा है। तो चलते हैं, आज सीखते हैं कि डिक्शनरी ऑर्डर जो कि एक अल्फाबेटिकल टॉपिक का ही पार्ट है उसको आप कैसे सोल्व करेंगे। वैसे तो इजी सा ही काम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान ये देना है कि किस प्रकार से डिक्शनरी में शब्द अरेंज होते हैं और कैसे उनको पहचानेंगे और किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। तो सभी की चर्चा करेंगे, वीडियो के शुरू से एंड तक आप बने रहिएगा और ध्यान के साथ मेरे साथ जुड़े रहिएगा, जिससे कि हम सारी चीज़ों को सीख पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर जगह एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता ही रहता है। जहाँ भी रीजनिंग आती है, चाहे से वो बीएसटीसी या कोई एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, जिस भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पर भी अल्फाबेटिकल टेस्ट या क्रम परीक्षण जहां पर होता है वहां वहां इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाक से आप सभी जुड़ जाइए। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दिखाने के लिए आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर वगैरह भी आप करते ही हैं। चलिए, तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि कौन सा मद शब्दकोश में तीसरे स्थान पर होगा। पहले मैं इसका थोड़ा सा बेसिक आपको बता देता हूं जिन लोगों को पता नहीं है, बाकी सभी थोड़ा थोड़ा ऐसे जानते ही होंगे। आप जब भी शब्दकोश देखते हैं, डिक्शनरी देखते हैं, शब्दकोश को आप देखते हैं, डिक्शनरी को, तो उसमें आप पाते हैं कि सबसे पहले वहां पे इंग्लिश की बात कर रहे हैं, इंग्लिश में ए वाली मीनिंगें सबसे पहले होती हैं। यानी आप डिक्शनरी के शुरुआती पन्ने खोलते हैं तो वहां ए से शुरुआत होने वाली मीनिंगें आपको दिखाई देती हैं। साथ ही साथ जब आप, आवाज नहीं आ रही सर जी, आवाज तो आ रही है प्रिय, हो सकता है आवाज वगैरह का इश्यू कुछ लोगों के साथ हो, बाकी मेरे हिसाब से आवाज क्लियर है हमारे वाले डिवाइसों में। बाकी सभी इस बात के लिए बताएं कि आवाज क्या क्लियर है, क्या मेंशन करें, नहीं है तो फिर कुछ और इंक्रीज करवाते हैं उसको। तो आप शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी में देखते हैं कि शुरुआती पन्नों पर वहां पर ए वाली मीनिंगे पाई जाती हैं, ए से शुरुआत होने वाली मीनिंगे पाई जाती हैं, फिर उसके बाद में बी वाली पाई जाती हैं, फिर सी वाली, फिर डी वाली, ऐसे करते करते ए टू जेड क्रम में वहां पे मीनिंगे होती हैं। ए वाली पहले, बी वाली उसके बाद में, फिर सी वाली, डी वाली, ऐसे क्रम दर क्रम जेड तक चलती हैं। फिर आप कहेंगे कि सर ए वाली भी बहुत सी मीनिंगे होती हैं, तो शुरुआती लेटर यदि अलग अलग हो तो फिर हम कंसीडर कर सकते हैं कि कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, लेकिन एग्जाम में जो मीनिंग आपको दी हुई होती है, हाँ बिल्कुल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा, अपनी डिवाइस को आप दोबारा से ओपन कीजिएगा जैसे भी, बाकी मेरे हिसाब से आवाज आ रही है। हाँ, तो वहां पे ए वाली मीनिंग ये पहले होती हैं, फिर बी वाली, फिर सी वाली, फिर डी वाली, ऐसे करते करते जेड, ए टू जेड क्रम में शब्दकोश में मीनिंग ये होती हैं। लेकिन फिर आपको एग्जाम में जो मीनिंग दी हुई होती हैं, जैसे इस क्वेश्चन में, तो सभी पी से चालू होने वाली हैं, तो वहां पर होगा क्या, सेम लेटर से चालू होने वाली मीनिंगों के साथ क्या होता है, ए वाली भी एक साथ होती है तो वहां छोटी मीनिंग पहले आती है, यानी ए आया होगा, फिर ए के बाद ए आने वाला आया होगा, फिर ए के बाद बी आने वाला आया होगा, फिर ए के बाद सी आने वाला, यानी फर्स्ट लेटर ए है तो सेकंड लेटर ए टू जेड के क्रमांक में होता है, यानी कि ए वाली ए के बाद ए वाली मीनिंग पहले, ए के बाद बी वाली मीनिंग उसके बाद में, ए के बाद सी वाली मीनिंग उसके बाद में, ऐसे करते करते ए टू जेड वो चलेगा। अब आप ये कहते कि सर यदि ए के बाद बी वाली भी ज्यादा आ जाए, ए के बाद बी वाली भी ज्यादा आ जाए, तो फिर ए के बाद बी, फिर थर्ड वाला ए से, फिर ए बी के बाद में
बी वाली, फिर ए बी के बाद सी वाली, ऐसे चलता रहता है। लेकिन ऐसे आप बिल्कुल भी नोट नहीं करें कि उसमें चलता क्या है, थोड़ा सा पता आपको इस बारे में होता ही है, लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन होगा उसको आप चेक कैसे करेंगे उसका तरीका देखिए। बहुत छोटी सी बात होती है और जगह जगह क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस प्रश्न को लीजिए, आपके पास जो सभी मीनिंगे हैं वो पी से स्टार्ट हैं और इंग्लिश डिक्शनरी ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो पहले वाली जो मीनिंग है, शायद आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा ये पूरी तरीके से। हाँ, ध्यान से देखिए, जो पहला ऑप्शन है, फर्स्ट वाला ऑप्शन, उसमें लिखा हुआ है पी ए जी ई, पी ए जी लिखा हुआ है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें पी ए डबल एल लिखा हुआ है। थर्ड वाला ऑप्शन है सी, उसमें लिखा हुआ है पी ए आई आर पेयर लिखा हुआ है। फिर उससे नेक्स्ट वाला जो डी ऑप्शन है वहां पे लिखा हुआ है पी ए आई एन, पी ए आई एन। अब आपसे कहे कि इनमें से कौन सा शब्दकोश में पहले नंबर पे आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, इस प्रकार से आपसे कोई कह रहा हो, तो आप इसमें से जब भी इस प्रकार की चीजों को ढूंढेंगे तो सबसे पहले इसका फर्स्ट लेटर टारगेट करेंगे। आपने देखा कि पहला लेटर इसका है पी, पहले लेटर को टारगेट करेंगे, तो फर्स्ट लेटर यानी पहला अक्षर सभी में पी है, तो पहला अक्षर समान हो तो आप उसे छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपको एड्रेस नहीं देगा कि कौन पहले कौन बाद में। फिर सेकंड पे जाएंगे, फर्स्ट वाले पे देखेंगे कि कहीं पे अलग दिखाई दे रहा है क्या, तो आपने देखा फर्स्ट वाली पोजिशन पे पहला लेटर सभी में पी है, कोई अलग नहीं है। फिर सेकंड पे जाएंगे, यहां भी ए है, ए ए सभी जगह ए है, तो ये भी आपको क्रम को अरेंज करने में कोई भी रोल प्ले नहीं करेगा। तो आप ये कहेंगे कि सर फिर थर्ड वाले पे चलते हैं। अब तीसरी पोजीशन पे देखिए, एक जगह जी मिला है, एक जगह एल मिला है, एक जगह आई मिला है, अगेन आई मिला है एक जगह, तो आप ये कहेंगे कि सर जो चार मीनिंगे हैं उसकी तीसरी पोजीशन पे जाके भिन्नता आई है, एक जगह जी दिखाई दिया है, एक जगह एल दिखाई दिया है और दो जगह आई, इनको लिख लेंगे आप, ये आपको एड्रेस देंगे, इनका क्रमांक लगाइएगा आप, इनको आप ए टू जेड क्रम में लगाइएगा, मतलब यही लिख लीजिएगा। तो आप कहेंगे कि सर इनमें सबसे पहले कौन आएगा, अल्फाबेट में सबसे पहले इनमें आता है जी, सात नंबर पे आता है, तो पहले स्थान पे कौन आ गया, जी। फिर दूसरी कुर्सी किसको अलर्ट होगी, तो आप कहेंगे सर आई वाली कुर्सी दो नंबर पे, लेकिन आई दो बार है तो आई ही दो जगह दो नंबर पे आएगा और आई वाली कुर्सी ही तीन नंबर पे आएगी। दो और तीन नंबर को डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन से आई वाली मीनिंग है वो दो नंबर पे आएगी या कौन से वाली तीन पे आएगी, ये मुझे कंफर्म डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन एल का कंफर्म डिसाइड हो गया कि ये फोर्थ आएगा। यदि लास्ट वाला पूछता तो ये जो एल वाली मीनिंग है पी ए डबल एल वाली, ये चौथे स्थान पर आ जाती। यदि वो पहले स्थान पे पहुंचता तो ये जी वाली ये पहले स्थान पे आ जाती। यदि वो तीसरी या दूसरी पोजीशन पूछ रहा है तो हमें एक और स्थिति को देखना पड़ेगा, और स्थिति ये है कि आई के बाद वाले लेटर को अब टारगेट करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर एक जगह आई के बाद में आर है और एक जगह आई के बाद में एन है, तो आप कहेंगे कि एन वाला पहले आएगा कि आर वाला, तो आप ये कहेंगे दो और तीन स्थान पे आई वाली मीनिंग आने वाली है और एक जगह आई के बाद में आर है और एक जगह आई के बाद में एन है, तो एन आर से पहले आता है अल्फाबेट में, तो मैं यूं कह सकता हूं कि एन वाली जो मीनिंग होगी नंबर टू पे स्टैंड करेगी और जो आर वाली मीनिंग होगी वो नंबर तीन पे स्टैंड करेगी। तो इसमें थर्ड वन पूछ रहा है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो जो आर वाली है वो तीसरे स्थान पे आएगी, तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा विकल्प होगा, सी ऑप्शन होगा। थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखिएगा, बहुत सारों ने सी लगाया है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आपको करना ये है कि फर्स्ट वाले लेटर की देखना है कि पहले ये ए टू जेड किस पोजीशन पे आता है। यदि पहला लेटर सेम है तो फिर आप सेकंड वाले लेटर को ए टू जेड क्रम में देखेंगे, सेकंड लेटर भी यदि सेम आ जाए तो फिर थर्ड वाले की पोजीशन देखेंगे, थर्ड वाले में भी कोई दो लेटर सेम से आए तो उनके नेक्स्ट वालों को देखेंगे, लेकिन जहां भी भिन्नता आ जाए वहां पर आपको इस बात का ध्यान रखना है
कि जो क्रमांक देंगे वो क्रमांक कर देंगे। जैसे यहां पे जी एल आई आ गया था, तो एक भी जगह भिन्नता, तो मैंने 1, 2, 3, 4 नंबर इसको अलॉट कर दिए थे, तो वो चीज आप जरूर रखें। चलिए तो आप प्रैक्टिस में लेते हैं फटाक फटाक से। आप जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दें और ध्यान से क्वेश्चनों को देखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए एक दो आते ही रहते हैं, और अच्छी प्रैक्टिस होगी तो एग्जाम में वो नंबर जल्दी से ही निकल जाएगा कम समय में। चलिए तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे बाद में आएगा, लास्ट वन पूछा है, सबसे बाद में आने वाला शब्द कौन सा होगा डिक्शनरी के अंदर। चार मीनिंगे दी गई हैं, तो आप ये कहेंगे कि सर चौथे नंबर वाली बतानी है। अब देखिए क्या करना है, एग्जाम में ऐसे देखना है कि सर हमने पहले लेटर को देखा, बी है, दूसरे में भी बी है, बी है, बी है, जहां सेम है वहां अपना कोई काम नहीं है, उसे आप काट सकते हैं, छोड़ सकते हैं कि ये तो अपने काम का नहीं है। बी पे सेकेंड में गए, बी के बाद में देखिए, दूसरे नंबर पे देखा, एक जगह ओ है, दूसरे जगह भी ओ है, तीसरे जगह ई है और चौथी जगह ए है। भिन्नता जहां मिल जाए, सेकंड पोजीशन को देखें और जहां भी अलग लेटर दिख जाए, अलग अक्षर दिख जाए, चाहे वो एक जगह ही दिख जाए, जैसे चार मीनिंगे हैं, तीन जगह सेम अक्षर आ गया और चौथी जगह एक अलग अक्षर आ गया, तो भी अपना काम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि सेम होगा वहां तक अपना कोई काम नहीं है, वो कोई क्रम को नहीं बताएगा, लेकिन जहां भिन्न अक्षर आएगा वो आपके काम को चालू करेगा। तो आप कहेंगे सर एक जगह ओ आया है, दूसरी जगह भी ओ आया है, एक जगह ई आया है और एक जगह ए आया है। ध्यान से देखिएगा, इन चारों मीनिंगों के मैंने सेकेंड लेटर के आधार पर क्रमांक अलॉट करना प्रारंभ किया है। अब आप ये कहेंगे कि सर इनको ए टू जेड क्रम में यदि क्रमांक दें तो सबसे पहले ए वाली मीनिंगे दिखेंगी, तो आप कहेंगे एक नंबर फिक्स हो गया है ए वाली मीनिंग का। तो देखिए बी के बाद में ए कहां है, डी, ये एक नंबर पे आती। यदि वो कहता कि सबसे पहले कौन सी मिलेगी तो अपना उत्तर डी हो जाता, लेकिन उसने लास्ट वाली पूछी है तो अभी अपना काम खत्म नहीं हुआ है। चलिए उसके बाद में ए के बाद में ई और ओ में से कौन पहले आएगा, तो आप ये कहेंगे सर ई वाली मीनिंग पहले आएगी, तो दूसरा नंबर हो जाएगा ई वाली का, ई वाला कोई दूसरा है नहीं, तो आप कह देंगे बी के बाद ई वाली का नंबर दो। थर्ड वाली को भी अब देखने की कोई जरूरत नहीं है, डी ऑप्शन क्लियर हो गया है कि वो सबसे पहले आएगा, सी ऑप्शन क्लियर हो गया है कि वो दो नंबर पे आएगा, लेकिन अब ओ वालों को क्लियर करना है। अब नंबर बच गया तीन और चार, ओ वाले तीन और चार नंबर पे आएंगे, ओ के बाद वाला कोई लेटर होता तो फिर वो पांचवा भी हो सकता था, क्योंकि पांच पांच भी आपके पास मीनिंगे होती हैं। चलिए अब ओ के बाद में जहां सेम है उससे अगले को देखते, तो आप कहेंगे ओ के बाद में यहां पर तो एन है सर, यहां ओ के बाद टी है, एक जगह तो एन है और एक जगह टी है, तो अब मैं निश्चित तौर से ये कह सकता हूं कि सर जहां पे ओ है उसके बाद में एन है, तो एन पहले आता है और ओ के बाद में टी है, तो टी बाद में आता है, तो एन वाली मीनिंग नंबर तीन पे आएगी और टी वाली मीनिंग नंबर चार पे आएगी। तो टी वाली का नंबर हो गया चार और बी वाली का नंबर हो गया तीन। प्रश्न ने पूछा है सबसे बाद में कौन सी आएगी, तो ए ऑप्शन जिसका था वो सभी का राइट है, बहुत सारों ने सही लगाया है, बहुत ही शानदार। हाँ बोतल, तो ऐसे शुरुआत में मैं धीरे धीरे इन चीजों को सिखाऊंगा। जिन लोगों को सीखने में दिक्कत है कि साहब हमने डिक्शनरी लगाते समय समस्या आती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाऊं उन सभी में इस बात का ध्यान रखें कि चीजों को सुने पहले कि कैसे आप फाइंड करेंगे, गलती होने से कैसे बच सकते हैं। ये छोटी मोटी चीज जो मैं साइड में लिख रहा हूं उनको लिख लिख के प्रयास करें, अच्छा प्रयास हो जाए अच्छे से लगाना, तो फिर देख देख के ही सोल्व कर दें। जैसे मान लो मैं इस सवाल को सोल्व करता तो मैं ये चीजें नहीं लिखता, इसमें देख देख के बता देता कि कौन सा कब आने वाला है, लेकिन वो प्रैक्टिस का बात है। मैंने बहुत सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर ली, यदि आपने कम प्रैक्टिस करी है ऐसा काम करेंगे तो गलती अवश्य रूप से होगी। चलिए बढ़ते हैं, तो आप धीरे धीरे तीसरे नंबर का क्वेश्चन देखिए। थर्ड नंबर में आपसे कहा गया है कि शब्दों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, साहब शब्दों को डिक्शनरी ऑर्डर में व्यवस्थित करना है, तो अंतिम से पहला, अंतिम नहीं अंतिम से पहला। तो आप ये कहेंगे कि सर चार मीनिंगे हैं, अंतिम से पहला होगा तो तीसरा पूछा है, वो नंबर तीन पे आने वाली मीनिंग उसने आपसे पूछी है। हाँ बिल्कुल,
हाँ ध्यान से देखिए, जिनको चीजें पहली बार ही डिक्शनरी ऑर्डर को अरेंज करना सीख रहे हैं, वो हर प्रश्न में मैं बेसिक बोलूंगा उसका, ये हमेशा ध्यान रखा करो। मैं हमेशा सारी चीजें आपको समझाने के लिए हर बार रिपीट करता हूँ, बोलता हूँ ध्यान से, क्योंकि अच्छी तरीके से आपको चीजें समझ में आ जाएं। तो मैंने आपको कहा कि जब भी डिक्शनरी ऑर्डर ढूंढना हो तो उन मीनिंगों के शुरुआत से चालू करना है कि उनमें कॉमन क्या है। तो अब आप ये कहेंगे सर एफ ए इसमें भी है, एफ ए इसमें भी है, एफ ए इसमें भी है और एफ ए इसमें भी है। एफ ए तो सभी मीनिंग्स में कॉमन है, एफ के बाद में ए सभी मीनिंगों में कॉमन है। तो कॉमन चीज आपको कतई एड्रेस नहीं देगी, कॉमन वाली चीज को तो आप पिक भी नहीं करेंगे, थोड़ा सा काट देंगे जिससे कि उसको आप दोबारा नहीं देखें। साथ ही साथ थर्ड वाली पोजीशन पे देखिए, एक जगह यू है, फिर सी में भी यू है, एक जगह वी है, एक जगह टी है। तो आप आपको भिन्नता जहां मिल गई है वहां से काम चालू कर देना है। तो आप कहेंगे सर एक जगह यू मिला है, एक जगह यू मिला है, फिर से अगेन एक जगह टी मिला है इस वाली मीनिंग में और इसमें वी मिला है। कैसे भी ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी लिख लें, बस ये लिख लें कि जो भिन्नता आई है, पहले दो अक्षर सेम आए हैं, तीसरी पोजीशन पे गए तो तीसरी जगह पर हमें कुछ भिन्नता दिखी है, यानी दो जगह यू दिखा है, एक जगह टी और एक जगह वी। तो यहां से कुर्सी अलॉट करें, कुर्सी अलॉट कैसे करते हैं वो ध्यान दें, ए टू जेड क्रम में लगाए। आप ये कहेंगे सर यू टी और वी में सबसे पहले इंग्लिश अल्फाबेट में कौन आता है, तो टी 20 नंबर का सदस्य होता है, तो सबसे पहले टी वाली मीनिंग आएगी। फिर दूसरी कुर्सी, तो आप कहेंगे सर टी के बाद में यू होता है, तो यू वाले दो यू हैं, तो दो नंबर और तीन नंबर की कुर्सी, मुझे निश्चित नहीं है कि कौन से यू वाली कुर्सी दो नंबर और तीन नंबर प्राप्त करेगी, लेकिन चौथा नंबर तो फिक्स है भाई, यू वाली दोनों कुर्सी इन्हीं को दे देंगे, क्योंकि दो और तीन कुर्सी इन्हीं को दे देंगे। पता नहीं दो कौन सी और तीन कौन सी लेगा, लेकिन मुझे ये निश्चित है कि दो कुर्सियां ये निश्चित तौर से लेंगे ही लेंगे। अब चौथे नंबर की कुर्सी वी के लिए अलॉट हो गई। अब देखिए टी अकेला है, वी अकेला है, तो ये निश्चित हो गया। आपसे कोई ये पूछे कि पहले मीनिंग कौन सी आएगी, तो जहां एफ ए के बाद टी आ रहा है वो फर्स्ट नंबर, तो इसका नंबर एक हो गया, बी ऑप्शन का नंबर एक नंबर वाली मीनिंग हो गई। कोई ये पूछे कि चौथे नंबर की मीनिंग, तो डी ऑप्शन वाली नंबर चार हो गई। लेकिन प्रश्न ने कहा है कि अंतिम से पहला, अंतिम से पहला मतलब तीन नंबर वाली मीनिंग पूछा है चार में से, तो तीन वाली को खोजने के लिए यू के नेक्स्ट लेटर के बाद जाएं, जो सेम है तो उसका नेक्स्ट देखें। तो यू के बाद यहां पर एक जगह बी है और एक जगह एक्स है, यू के बाद एक जगह बी नजर आ रहा है आपको और एक जगह एक्स नजर आ रहा है। तो आप ये कहेंगे यू के बाद बी पहले आएगा कि यू के बाद एक्स, तो आप कहते हैं बी पहले आता है अल्फाबेट में और एक्स बाद में। तो ये यू के बाद बी वाली नंबर दो हो जानी है और यू के बाद एक्स वाली नंबर तीन हो जानी वाली है। तो आप इसमें सी ऑप्शन तीन नंबर पे आएगा, तो तीन नंबर सी ऑप्शन और दो नंबर ए ऑप्शन। प्रश्न ने कहा है अंतिम से पहला, तो चार मीनिंगे हैं, अंतिम से पहला सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। बिल्कुल बेहतरीन, बहुत सारों ने सी ही ऑप्शन दिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले प्रश्न की ओर। सिर्फ आपको ये देखना है कि कॉमन जो अक्षर हैं वो कहां तक चल रहे हैं, जहां से भिन्नता आती है उन सिंगल सिंगल लेटर्स को आप उठा लेंगे, फिर उन पे नंबर अलॉट करेंगे एक दो तीन चार, जो डबल आ जाएं, जैसे पिछले क्वेश्चन में यू डबल आ गया था तो उसकी दो कुर्सियां हमने लगातार अलॉट की थी, और उससे आगे यदि अल्फाबेट के नंबर चल रहे हैं तो आगे की कुर्सियां, यानी सारी कुर्सियों के क्रमांक पहले आप उनको दें, फिर जो डबल हैं उनके नेक्स्ट वाले लेटर को देख के उनके क्रमांक फिक्स करें। हाँ, जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं करा है वो अवश्य लाइक कर दें, बिल्कुल शानदार। चलिए फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर आएगा, ध्यान से देखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने सभी क्वेश्चंस को इस प्रकार से अरेंज करा है कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की मीनिंगें इसमें हो सकती हैं, जितने प्रकार से अरेंजमेंट हो सकता है वो सारे शामिल किए गए हैं। आप जब भी इन 15-20 क्वेश्चंस को देख लेंगे पूरों को, तब आपको लगेगा कि इनमें हमने जो प्रश्न बनाए हैं वो इस स्टैंडर्ड से बनाए हैं कि आपके पास में जितनी भी तरह तरह के सवाल बनते हैं इस टॉपिक से वो सारे सोल्व हो जाए। तो शुरू से एंड तक बने रहिएगा जिससे कि आप सारी चीजों को जान पाएं कि इनमें क्या विभिन्नताएं हो सकती हैं और कहां आप इनमें गलती कर सकते हैं।
चलिए, कुछ लोग ई कह रहे हैं कि ई आएगा, कुछ लोग सी कह रहे हैं। ध्यान से देखिए कैसे ढूंढेंगे। मैंने आपको बताया कि कॉमन चीजों तक आप देखे ही नहीं, तो पांचों विकल्प में, पांच विकल्प हैं, तो बीयूटी 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 सभी में कॉमन है, बीयूटी तक तो सभी में कॉमन है, तो कॉमन चीज आपको डिक्शनरी का एड्रेस कभी भी नहीं देगी। उसके बाद में आप देखिए, एक जगह आपके पास में टी है, फिर नेक्स्ट वाली जगह एल है, फिर सी है, फिर टी है, फिर टी है। अब ध्यान से देखा तो आपको लगा कि तीन जगह तो टी है। देखो टी यहां पर भी है, टी डी ऑप्शन में भी है, और टी बी यू टी के बाद में टी ई में भी है। तो आपसे कोई ये पूछे टी कितनी बार है, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि यहां टी है वो तीन बार है, टी तीन बार आया है। तीनों को एक साथ ही लिख लें, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप शुरुआत में एक जगह ही लिख लें। टी तीन बार है, एल एक बार है, और सी एक बार है। ये पांचों मीनिंग में जो अलग अक्षर मिला है वो है। बीओटी तक तो कॉमन है, जहां पर सेम चीज चल रही है उसको तो काट दें, जहां से अलग होता है तीसरी पोजिशन पे, दूसरी पे, चौथी पे, जिस भी पोजिशन पे अलग लेटरों का आगमन होता है वहां से आप इस चीज का ध्यान रखें, उनको आप लिखें। अब इनको कुर्सी अलॉट करें, एक दो तीन चार इनको नंबर दें। तो मैं ये कहता कि टी एल और सी तीन चीजें हैं, तो एल अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, वो सॉरी सी, सी सबसे पहले आएगा, तो एक नंबर की मीनिंग जहां सी आ रहा है, बी यू टी के बाद सी आ रहा है, वो एक नंबर की मीनिंग हो जाएगी। तो आप ये कह दीजिए कि सर सी आ रहा है बी यू टी सी, तो सी ऑप्शन है वो एक नंबर अलॉट हो गया, पहले नंबर की मीनिंग का पता चल गया। अब उसको देखना नहीं है, उसके आगे क्या है कुछ नहीं देखना, अकेले सी से फिक्स हो गया कि ये डिक्शनरी में सबसे पहले आएगी। अब उसके बाद में एल वाली देखिए, तो आप कहते सर एल जो है वो सी के बाद आएगा, दो नंबर पे एल वाली आएगी, फिर तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर पे टी ही रहेंगे, क्योंकि टी तीन बार है, तो तीन चार पांच नंबर की कुर्सियां टी के लिए खाली छोड़ोगे। तो पहले सी वाली मीनिंग के पहले आएंगी जहां आपने अरेंज करवाया उसमें, फिर एल वाली और फिर टी वाली। तो टी वाले तीन टी हैं, तो तीन नंबर, चार नंबर और पांच नंबर की कुर्सी टी वालों को मिलने वाली है, लेकिन टी के लिए ये निश्चित नहीं है कि हमें तीन नंबर वाली कब किसको मिलेगी, चार वाली किसको, पांच को किसके हो, तो उसके लिए आपको टी से भी आगे जाना पड़ेगा। तो आप ये कहेंगे सर टी से नेक्स्ट वाले लेटर को टारगेट करने जाओ, तो एक जगह क्या मिल गया, तो मैं ये कहता कि एक जगह आपको ई मिल गया। फिर टी से आगे गए, एल वाली मीनिंग निश्चित हो चुकी है, ये नंबर दो पे आ जाती, बाकी तीन मीनिंगे बची हैं उनको देखना है। तो टी के बाद एक जगह ई है, एक जगह ओ है, एक जगह ई है, तो दो जगह टी के बाद ई आया है और एक जगह ओ आया है। टी के अगले को देखिए, दो जगह ई आया है, मैंने ई को एक साथ लिखा है, आगे पीछे भी लिख सकते हैं लेकिन एक साथ लिखेंगे तो वो थोड़ा ढंग से दिख जाएगा। अब आप ये कहेंगे सर ई वाले पहले आएंगे, ओ वाले बाद में आएंगे, तो ओ डिसाइड हो गया, ई तो डिसाइड नहीं हुआ लेकिन ओ। अब बताइए तीन चार और पांच नंबर की कुर्सियां हैं, तो तीन नंबर और चार नंबर की कुर्सी तो ई वालों को मिल जाएंगी, क्योंकि ई दो हैं तो दो कुर्सियां वो लेंगे। पांच नंबर की कुर्सी फिक्स हो गई ओ वाले के लिए, तो पांच नंबर की कुर्सी टी के बाद ओ है, इसका भी क्रमांक पांच नंबर फिक्स हो गया, बिल्कुल निश्चित हो गया कि पांच नंबर वाली कुर्सी डी ऑप्शन को मिलने वाली है। लेकिन आपको कुर्सी चाहिए तीसरे स्थान की, जो पूछा है वो अभी तक भी नहीं प्राप्त हुआ है। देखिए कैसे, तो अब ई के नेक्स्ट वाले लेटर को टारगेट करेंगे। ई के नेक्स्ट में एक जगह आर दिया हुआ है और ऊपर भी आर दिया हुआ है, अभी भी तय नहीं कर सकते क्योंकि सेम आ गया, लेकिन एक जगह आर के बाद में एफ है और एक जगह अक्षर ही समाप्त हो गए भाई, एक जगह अक्षर समाप्त हो गए आर के बाद, एक में चल रहे हैं, तो जो छोटी मीनिंग है वो डिक्शनरी में पहले आती है, तो जहां खत्म हो गए उसका क्रमांक इनमें से छोटे वाला आएगा, तो तीन नंबर और चार नंबर में से इसको कुर्सी मिलेगी तीन नंबर और इसको मिलेगी चार नंबर, यानी जो छोटी मीनिंग है वो तीसरे नंबर पे आती और चार नंबर पे ये वाली आती। खत्म हो गया। तो थर्ड वन आपसे पूछा था कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा, तो तीसरे नंबर पे स्थान के लिए आप ये कह देते कि सर तीसरे स्थान वाली मीनिंग ई आएगी। बिल्कुल, कुछ लोगों ने डी ऑप्शन बताया है, ई ऑप्शन करेक्ट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपके लिए,
और बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है आपके लिए। आप चाहे से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहां रीजनिंग सीखने की आवश्यकता पड़ रही हो, वहां पर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को इन फ्यूचर मिलेंगे एग्जाम्स में। चलिए, राजस्थान पुलिस में ये आपसे पूछा हुआ है, फटाक से उत्तर बता दीजिए। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ऑप्शन में अलग दायरा दिया गया है। पहले सिर्फ ऑप्शन में मीनिंग ही देता था, अब मीनिंगों के रोल नंबर लिख रखा है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। लेकिन ABCD जो नीचे 4 विकल्प हैं, उन 4 विकल्प में ऐसे क्रमांक दे रखे हैं, तो 1 नंबर वाली मीनिंग है वो सबसे पहले आएगी, फिर 5 नंबर वाली आएगी, फिर 2 नंबर, फिर 4 नंबर, 3 नंबर, ये ऊपर वाले रोल नंबर लिखे हुए हैं क्रमांक के अनुसार। चलिए ढूंढते हैं, तो जैसे डिक्शनरी को ढूंढते हैं वैसे ही फटाक से ऑप्शन बता दीजिए। नंबर 5 क्वेश्चन का आप करते रहें, मैं इसका बेसिक समझा देता हूं आपको। देखिए, सबसे पहले मैंने कहा कि डिक्शनरी ऑर्डर अरेंज करना हो तो शुरुआत में आप कॉमन अक्षरों को देखें। तो देखिए, ईए इसमें भी है, ईए तो सभी मीनिंगों में कॉमन है, ई के बाद में ए सभी मीनिंगों में आ रहा है। जहां से डिफरेंट लेटर चालू हो उस अक्षर को देखें, अलग अक्षर कौन है। तो आप कहेंगे सर एक जगह जी आया है, यहां भी जी आया है, यहां तीसरे स्थान पे सी आया है, यहां पे आर आया है और आर आया है, डिफरेंट लेटर मिल गए। एक भी अक्षर अलग हो जाए तो भी आप देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि 5 जो मीनिंगे हैं उनमें से 4 जगह भी जी दिख जाता और एक जगह अलग सी दिख जाता तो भी हम यहां से काम चालू करते। तो अब आप ये कहेंगे सर 2 जगह तो जी आया है, 2 मीनिंगों में तो जी, अब वो कोई सी में भी आया है एक जगह लिख लीजिए उसको, 2 जगह आर आया है, 2 जगह आर दिख रहा है सेकेंड और फोर्थ में, और फिफ्थ में दिख रहा है सी। कैसे भी लिख लें ऊपर नीचे, एक बच्चा इनको ऐसे भी लिखेगा कि सर मैंने सी को पहले लिख लिया, जी फिर लिख लिया, आर फिर लिख लिया, तो ये तो आप खुद रोल नंबर देंगे, यहां से देख लेंगे, ऊपर नीचे लिखने से भी कोई खासा इफेक्ट पड़ेगा नहीं। सिर्फ आप इस चीज का ध्यान रखें कि जो डबल जी है तो उसको एक जगह लिख लें, जिससे कि देखने में आपको सुविधा रहे। हाँ, डी ऑप्शन बता रहे हैं कुछ लोग, बिल्कुल ध्यान से देखिए कि डी ही सही था या नहीं था। जैसे ही ये डिफरेंट लेटर का निर्धारण हो जाता है तो आप इनमें तय करें कि ए टू जेड में सबसे पहले कौन आएगा। तो जी है, आर है और सी है, तो आप कहेंगे सर सबसे पहले नंबर पे ABCD में सी मिलता है, तो पहले नंबर पे वो मीनिंग आएगी जो जिसमें ईए के बाद सी दिख रहा है, फिर आर पहले या जी पहले, तो आप कहेंगे जी वाली मीनिंग सर पहले आती है, तो डबल जी है तो 2 नंबर और 3 नंबर की सीट जी वाले ले लेंगे। देखिए, सी वाली स्पेलिंग है वो 1 नंबर पे डिक्शनरी पे मिल गई, और उसके बाद जी डबल है, 2 बार जी है। यदि मान लो 2 बार जी है तो दूसरे नंबर की कुर्सी और तीसरे नंबर की कुर्सी डिक्शनरी में जी वालों को मिलेगी, और चौथी और पांचवी आर वालों को मिलेगी। यहां दूसरी और तीसरी निर्धारण नहीं करी गई है अभी, चौथी और पांचवी भी निर्धारित नहीं है, क्योंकि उनके नेक्स्ट लेटर को देखना पड़ेगा। जो समान अक्षर हैं तो फिर उसके नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा आपको। तो पहली तो निश्चित हो गई, तो सबसे पहले ईएसी वाली मीनिंग आएगी, 5 नंबर वाली का नंबर हो गया तय, यानी 5 नंबर सबसे पहले आएगा। और परीक्षा में ये राजस्थान पुलिस में जब भी आया था 5 नंबर केवल डी ऑप्शन में था, तो पहली मीनिंग से ही तय हो गया था परीक्षा में कि डी ऑप्शन आएगा। निश्चित कह सकते थे कि डी आएगा, क्योंकि 4 ऑप्शन हो और आपने पहला आदमी ढूंढ लिया है और 5 नंबर वाला पहले स्थान पे आएगा, तो कोई से भी ऑप्शन में पहले स्थान पे 5 नंबर नहीं था। एग्जाम में होते तो यही क्वेश्चन को लीव कर देते आप और कहते कि सर डी ऑप्शन आएगा, क्योंकि अगले वाले को जांचते नहीं जांचते कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सभी को जांचेंगे कि 2 नंबर पे कौन आएगा, 3 कौन आएगा, 4 कौन, 5। परीक्षा में तो जहां निश्चित हो जाए वहीं लीव कर दें क्वेश्चन को। चलिए, तो जी के बाद में क्या होगा, तो एक जगह जी के बाद में एल आ रहा है, एक जगह जी के बाद में ई आ रहा है, अब निश्चित हो गए हैं। एल पहले आता है अल्फाबेट में कि ई, तो आप कहते सर ई पहले आता है, तो 2 नंबर और 3 नंबर में से 2 नंबर की कुर्सी ई वालों को मिलेगी, एल बाद में आता है तो 3 नंबर वाली एल वाले को मिलेगी। तो आप ये कह सकते हैं एल जी के बाद एल है वो नंबर 3, यानी 1 नंबर नंबर 3 पे आएगा, और जी के बाद ई जो 3 नंबर है वो नंबर 2 पे आ जाएगा। इसी प्रकार से दिख ही गया होगा नंबर की 3 नंबर वाला 5 के बाद में और 1 नंबर वाला रोल नंबर उसके बाद में। अब
आर वालों को डिसाइड करें तो आर के बाद में एक जगह एल है और एक जगह टी है, तो एल वाली मीनिंग नंबर चार हो जाती और आर के बाद टी वाली पांच हो जाती। तो नंबर जो क्रमांक होता है सबसे पहले पांच नंबर, फिर दूसरे नंबर पे तीन नंबर, फिर तीसरे नंबर पे एक नंबर, रोल नंबर वाली ये पीछे लगा हुआ है वो ऑप्शन में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद में जो एल वाली है वो चार नंबर हो जाती, यानी चार वाली चार ही नंबर पे आती और दो नंबर वाली सबसे लास्ट में आती। तो डी ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर होता। फर्स्ट या सेकंड, भाई ये क्लास आज की तो फर्स्ट ही है, बाकी तो हमने रीजनिंग की शुरुआत बहुत पहले से कर दी है। प्लेलिस्ट में आप जाइए और वहां से टॉपिक को देख सकते हैं, मेरे सभी प्रीवियस वीडियो वहां बिल्कुल एक लिस्टेड तरीके से सभी लगे हुए हैं, तो उन्हें आप क्रम दर क्रम देखेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट आपको पहुंचाएंगे। और भी वीडियो है वहां नीचे, दो तीन प्लेलिस्ट है जहां टेस्ट पेपर रीजनिंग के और बहुत सारी वीडियो है, उनको देख कर भी आप लाभ उठा सकते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल मौनो दुर्गा सभी। चलिए सिक्स नंबर का क्वेश्चन अब आप फटाक फटाक से लगाते जाइए, मैंने चीजें आपको समझा दी है। अब 10-12 क्वेश्चन की डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसमें आप मुझे बताएंगे। इंग्लिश मीडियम से हैं, देखिए भाई हिंदी मीडियम से ज्यादा स्टूडेंट हैं, कुछ कुछ प्रश्न हम इंग्लिश में भी ऊपर लिखा देते हैं, बाकी तो हिंदी मीडियम वाले ही ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं ध्यान दें, ऐसे क्वेश्चंस में तो इंग्लिश और हिंदी क्या करेगी मेरे भाई, जो इंग्लिश में दिख रहा है वो इंग्लिश में ही है, ऊपर भी इंग्लिश लिख रखी है मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस के। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें, डिक्शनरी ऑर्डर के अनुसार इसे लगाना है, तो एक ही तरीका होता है, फटाक फटाक से ढूंढिएगा। पहले जो कॉमन अक्षर हैं उनको बिल्कुल नहीं देखें, तो आप कहेंगे सर डीआर 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 सभी ऑप्शनों में कॉमन है, डीआर सभी ऑप्शंस में कॉमन है, डीआर के बाद में एक जगह आई है, फिर ए है आई है और ओ है, तो आप ये कहेंगे सर दो जगह तो आई दिखा है, दो जगह तो पहले और चौथे में दो जगह तो आई है, ध्यान दीजिए दो विकल्पों में तो आई दिख रहा है, सेम उसी प्रकार से दो जगह ए दिख रहा है और एक जगह ओ दिख रहा है। तो अब मैं आपसे ये कहूं कि ए आई और ओ में से सबसे पहले कौन आता है, तो आप कहेंगे सर ए अल्फाबेट में सबसे पहले आता है, ए दो बार है तो एक नंबर और दो नंबर की कुर्सी इन्हीं को मिलेगी, उसके बाद आई आएगा तो दो नंबर तक कुर्सी अलॉट है, फिर तीन नंबर और चार नंबर इन आई वालों को ही मिलेगी, लेकिन तीन और चार फिक्स नहीं है, आई वालों को तीन नंबर और चार नंबर कुर्सी अलॉट होगी और पांच नंबर सबसे लास्ट वाली कुर्सी ओ को मिलेगी। यदि वो लास्ट में आने वाला पूछा है, लास्ट में आने वाला पूछता तो ओ वाली मीनिंग सबसे लास्ट में आएगी, यानी डी आर ओ ये सबसे लास्ट होगी, यानी पांच नंबर वाली मीनिंग दो नंबर वाली मीनिंग होगी, दो सबसे लास्ट में मिलेगा। तो यहां आप देखें तो दो सबसे लास्ट में यहां लिखा हुआ है, दो नंबर वाली मीनिंग पांच नंबर पे आएगी, मतलब सबसे लास्ट में दो यहीं पे लिखा हुआ है, तो बी ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर हो जाता। एग्जाम में तो सिर्फ इतना ही देखना था, बी तीन पांच दो, तीन पांच चार एक दो, हाँ तीन पांच चार एक दो बिल्कुल सही है मूर्ति देवी जी, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट आंसर होता, बाकी तो सभी को ढूंढने का आपको तरीका आना चाहिए। सभी को ढूंढने का कैसे, अब आप देखेंगे कि सर एक के बाद की चीजों को देखिए तभी ए डिसाइड होगा कि पहला कौन दूसरा कौन, एक के बाद एक जगह एम आ रहा है, एक के बाद एक जगह आई आ रहा है, तो अब मैं कह सकता हूं आई पहले आता है और एम बाद में, तो एक के बाद जो आई वाली मीनिंग है, एक के बाद आई वाली मीनिंग है उसका नंबर एक हो जाना है, एक और दो में से पहले ए आएगी तो एक और दो में से पहले एक नंबर ए आई को मिलेगा और ए एम को मिलेगा दो नंबर, तो अब आप ये कह सकते हैं ए आई वाली मीनिंग सबसे पहले आएगी तो ए आई वाली तीन नंबर सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद ए एम वाली मीनिंग आएगी तो ए के बाद में एम कहां लिखा हुआ है, तो ए के बाद एम पांच नंबर में लिखा हुआ है, तो तीन पांच से स्टार्ट होगी, तो तीन पांच से तो सभी स्टार्ट थे लेकिन लास्ट वाली मीनिंग का पता चल गया था मुझे कि सबसे लास्ट में दो आएगा, तो दो एक ही ऑप्शन में आ रहा था इसलिए मैंने बी पिक कर लिया था। बाकी आई को भी देख सकते हैं, डबल आई है तो आई के नेक्स्ट लेटर को टारगेट कीजिएगा क्योंकि एक जगह आई के बाद वी है और एक जगह आई के बाद एन है, तो एन पहले आ जाएगा, मतलब तीन और चार में से तीन वाली मीनिंग एन पे आ जाएगी और नंबर चार वी वाली का बनता, तीन नंबर वाली सबसे पहले नंबर पे, फिर पांच नंबर वाली दूसरे नंबर पे, फिर चार नंबर वाली तीसरे पे, फिर एक नंबर वाली नंबर चार पे और दो नंबर वाली सबसे लास्ट में। चलिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत सारों ने सही जवाब बताया है,
हाँ सभी सही है योगेंद्र जी, बहुत बढ़िया है। इंग्लिश हिंदी दोनों में आता है क्या? इंग्लिश हिंदी में दोनों में भाई, राजस्थान पुलिस का ज्यादातर पेपर इंग्लिश हिंदी दोनों में ही आते हैं, बट बहुत सारी एग्जाम राजस्थान के अंदर जो होती हैं उसमें केवल हिंदी का ही पेपर आता है। यदि आप पेपर का जो फॉर्म निकलता है उस समय यदि उसमें हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आता है तो वहां से आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं। हाँ 7th नंबर का क्वेश्चन देखिए, फिर से वही डिक्शनरी ऑर्डर लगाना है इसमें, और आपसे कह रहा है कि 5 मीनिंग हैं उसके, शब्दकोश क्रम के अनुसार लिखेंगे तो इनमें से कौन सा क्रम बनेगा? पहले के अनुसार 2 नंबर वाली स्पेलिंग है वो सबसे पहले आएगी। सभी ऑप्शनों में दो तीन तो कॉमन है, तो 2 नंबर और 3 नंबर तो आप परीक्षा में नहीं भी ढूंढेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि 2 नंबर और 3 नंबर वाली सभी में है। ऐसे भी ऑप्शन देख सकते हैं, सभी में देखो 23 23 से चालू है, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर वाली मीनिंग का नंबर 1 है और 3 नंबर वाली का नंबर 2 है, ये तो निश्चित है। 3 मीनिंगों का निश्चित करने से ही आ जाएगा। कई बार ऐसे भी देख लें ऑप्शन में कि कुछ समानता चारों में ही दिख रही हो, तो फिर ये निश्चित हो जाए कि उनको तो आप देखें नहीं, फिर भी हम एक साथ ही देखेंगे सभी को। तो अब मैं आपसे ये कहता कि ST तो सभी में कॉमन है भाई, ST ST S के बाद T सभी में कॉमन है, कॉमन लेटर कभी भी डिक्शनरी का एड्रेस आपको देंगे नहीं। तो जहां से अलग लेटर दिखाई दे रहा है उसको देखिए, पहले में E है, फिर तीसरे में भी E है, I है एक जगह, O है और A है। तो अब आप ये कहेंगे सर दो जगह तो E है आपके पास में, 2 मीनिंगों में तो ST के बाद E है, एक जगह आई है, इधर देखा तो एक जगह ए है और एक जगह ओ है। इन 5 को रोल नंबर देने हो कि कौन सा डिक्शनरी में पहले, तो आप कहेंगे सर ए वाली मीनिंग डिक्शनरी में सबसे पहले आएगी, यानी ST तक तो कॉमन था, अलग लेटर को देखा, उसे टारगेट करा कि इनमें A to Z पहले कौन आएगा, तो ए सबसे पहले आ जाएगा, यानी 1 नंबर वाली मीनिंग तो होगी 2। ये फिक्स हो गई, 1 नंबर यहां से फिक्स हो गया, 2 सबसे पहले आएगी, यानी 2 नंबर सबसे पहले आएगा। ए के बाद में मैं कहूं तो आप कहेंगे सर ई वाली मीनिंग नंबर 2 और 3 पे आएंगी, 2 बार ई है, ई 2 बार है तो 2 कुर्सी अलॉट कीजिए, एक अकेला है तो 1 कुर्सी इसको अलॉट कर दी है, लेकिन ई 2 है तो 2 नंबर और 3 नंबर कुर्सी इन्हीं को अलॉट होगी। फिर मैं कहूं 4 नंबर कुर्सी, तो फिर आप कहते सर आई आएगा 4 नंबर पे और 5 नंबर पे ओ आएगा। इस प्रकार से कुर्सियों का निर्धारण कर लिया, लेकिन ये 2 कुर्सियों का निर्धारण अभी भी नहीं हुआ, तो सबसे पहले 2 और 3 वाली जगह पे, यहां मुझे पता नहीं 2 और 3 पे क्या आएगी, चौथे स्थान पर कौन आएगी, तो यहां से चौथा स्थान आई वाली मीनिंग का होता, तो आई वाली मीनिंग 5 है तो चौथे स्थान पर 5 आता, और जो सबसे लास्ट वाली है वो ओ वाली है, सबसे लास्ट में क्या आता, यानी लास्ट में आपके 54 आएगा भाई, लास्ट में 54 आएगा। यदि लास्ट वाले का भी निर्धारण कर पाते तो बी ऑप्शन आप यहां से राइट आंसर लगा देते, बी ऑप्शन आप यहां से राइट आंसर लगा देते। ये मैं बता रहा हूं कि परीक्षा में आप चीजों को जल्दी से कैसे लगा दें, देखिए ढूंढना तो सभी को आना चाहिए, सारी ही पोजिशन ढूंढनी आनी चाहिए, लेकिन कई बार फर्स्ट वाली और लास्ट वाली पोजिशन से ही प्रश्न का पता चल जाता है, तो मैंने लास्ट वाली को निश्चित कर लिया कि जो लास्ट वाली 5th नंबर वाली मीनिंग मिलेगी वो ओ वाली मिलेगी, तो ओ आ रहा है चौथे वाली मीनिंग में, तो चौथा सबसे लास्ट में आएगा, तो चौथा सबसे लास्ट में एक ही जगह था, इसलिए ये पेन पेपर का भी क्वेश्चन नहीं था। लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप यूं कह सकते हैं कि सर सभी को ढूंढना सिखाइए हमें, तो क्योंकि अभी तो आप प्रैक्टिस में है, तो ई के बाद में टारगेट कीजिए, क्योंकि डबल ई है तो 2 और 3 नंबर कुर्सियां ई वालों को मिलने वाली हैं। तो आप ये कहेंगे सर एक जगह ई के बाद में आर नजर आ रहा है और एक जगह ई के बाद में हमें ई नजर आ रहा है, तो ई पहले आ जाता है आर बाद में, तो 2 नंबर ई डबल ई वाली को मिलेगा, ई के बाद आर वाली को 3 नंबर अलॉट होगा। अब निश्चित हो गई इनकी कुर्सियां, तो आप ये कह सकते हैं कि 2 नंबर पर डबल ई वाली आएगी, तो 2 नंबर पे ये तीसरे वाला क्रमांक वाली आएगी, तीसरे वाली और फिर पहले वाली, उत्तर हो जाता 23 154। जिन्होंने उत्तर बताया वो सही है, बिल्कुल बहुत सारों का सही आंसर है, अमित कुमार, मोनो, स्वामी गेमिंग, दुर्गा, सभी का सही है। हाँ तो अब आप बहुत सारी चीजें सीख चुके हैं, धड़ाधड़ लगाते जाइए इनका जवाब। इसमें भी वही शब्दकोश को क्रमबद्ध करना है, देखना है फर्स्ट वाला सेकंड थर्ड किस प्रकार से क्रमांक होगा,
इसमें 31 31 21 कुछ अलग दिख रहे हैं, तो फटाक से आप देखिए कॉमन कहां तक है। तो आप कहेंगे सर टी ई टी ई तो सभी में कॉमन है भाई, टी तक कॉमन है, सिर्फ दो ही अक्षर कॉमन है। ध्यान दीजिए कुछ लोग कहीं आर को भी कॉमन कर लें, आर कॉमन नहीं है क्योंकि एक जगह एम दिया हुआ है, टी ई तक कॉमन है, ई तक कॉमन है, सिर्फ दो लेटर कॉमन है शुरुआती। फिर उसके बाद देखिए आर मिल गया, पहले में आर मिल रहा है, दूसरे में आर मिल रहा है, चौथे में आर मिल रहा है और पांचवे में भी आर मिल रहा है, यानी कि चार जगह आपको आर मिला है और एक जगह एम मिला है। अब ध्यान दीजिए यहां से काम स्टार्ट चालू हो गया, दो अक्षर तो सेम थे, उसके नेक्स्ट वाले अक्षर को देखें तो भी चार जगह सेम थे लेकिन एक जगह अलग है, और मैंने कहा था एक भी जगह अलग आ जाए तो वहां से अपना काम चालू हो जाता है भाई। तो अब देखिए इनको आप नंबर अलॉट करेंगे, तो मैं कहता आर पहले आएगा कि एम पहले, तो आप कहते सर एम पहले आएगा साहब, एम का नंबर एक हो जाएगा, एम का नंबर तो टी एम वाली मीनिंग है, वो नंबर एक पे आएगी, यानी तीन नंबर सबसे पहले आएगा, तीन नंबर जहां से विकल्प में चालू है वो विकल्प आएगा। तो ए में भी तीन नंबर है, सी में भी तीन नंबर है, डी में भी पहले तीन नंबर है, बी ऑप्शन नहीं आता, बी ऑप्शन को काट दीजिए साहब, बी में तो दो से चालू है। फिर अब दो नंबर कुर्सी, तीन नंबर कुर्सी, चार नंबर कुर्सी और पांच नंबर कुर्सी आर वालों को मिलने वाली है, तो आर यहाँ पे आर के नेक्स्ट लेटर को देखना होगा क्योंकि चारों को अपन डिसाइड नहीं कर सकते। तो आर से नेक्स्ट में देखता हूं मैं, तो आर के बाद एक जगह तो एम दिख रहा है भाई, यहाँ एम दिख रहा है, दूसरे वाले में भी एम दिख रहा है, तीसरे वाले में आर के आगे आर है और इसमें आर के आगे टी है। तो देखिए आर के आगे दो जगह तो एम दिख रहा है, R के आगे दो जगह M दिख रहा है और R के आगे एक जगह R दिख रहा है, डबल R है मतलब, और एक जगह R के बाद में T है। तो अब आप निश्चित ये कह सकते हैं कि इनमें से कुछ के नंबर तो अलॉट हो गए भाई। अब किन किन के नंबर अलॉट हो गए, तो मैं ये कहता डबल M है तो M पहले आता है, R बाद में आता है और T सबसे बाद में आता है, तो M वालों का जो क्रमांक होगा वो पहले आ जाएगा इनसे, तो M पहले आ जाएगा, तो दो नंबर और तीन नंबर की कुर्सी तो M वाले ले लेंगे, दो कुर्सी तो M वाला ले लेगा, M पहले आता है तो दो नंबर और तीन नंबर तो उसके लिए रिजर्व हो गए, चार नंबर और पांच नंबर अब फिक्स हो गए क्योंकि आर और टी अकेले अकेले हैं, तो चार नंबर की कुर्सी आर को दे दीजिए, टी उसके बाद में आता है, पांच नंबर इसे दे दीजिए। दो नंबर और तीन नंबर की कुर्सियों को मैं निश्चित नहीं कर पाया क्योंकि एम दो बार आ गया, लेकिन फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन तो निश्चित हो गई। तो अब आपसे कोई ये पूछे कि भाई सबसे पहले कौन सी मीनिंग आने वाली थी, तो मैं ये कहता कि सबसे पहला एक नंबर तो तीन नंबर वाली स्पेलिंग का होता, फिर सबसे लास्ट में कौन आती, तो ये पांच नंबर आरटी वाली का आता, तो आरटी कहां पर है, तो आप कहते आरटी पांच नंबर पे है, ये सबसे लास्ट में, पांच ही पांच सबसे लास्ट में आता, तो सबसे लास्ट वाला भी आप यहां से देखते तो भी डिसाइड हो जाता सबसे लास्ट वाला यही पांच है, यानी शुरुआत तीन से होती और लास्ट आपका पांच होता, शुरुआत तीन से और खत्म पांच से, लास्ट एंड फर्स्ट भी आपको पता चल जाता, फर्स्ट एंड लास्ट का पता डायरेक्ट कर सकते थे तो भी पता चलता, बाकी सभी को भी ढूंढेंगे तो चार नंबर आपने ढूंढ ही लिया है, डबल आर वाला चार, यानी चार नंबर पे ही आता, तो चार नंबर पे ही आता, बाकी बीच के दो स्थान और ढूंढते तो उन्हें आपको ढूंढने का तरीका भी बता ही दिया है कि एम से नेक्स्ट लेटर को टारगेट करते तो एम के बाद में एक जगह आई आ रहा है और एक जगह फिर अगेन आई आ रहा है, फिर एक जगह एन है, फिर दोबारा से एन है दोनों ही जगह, फिर ए है और फिर ए है, फिर एन के बाद में एक जगह एल है और एक जगह टी है, एल और टी है, तो एक नंबर उसमें पहले आ जाता और दो नंबर बाद में, एक नंबर पहले और दो नंबर बाद में, तो आपका जो विकल्प हो जाता वो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता। बहुत सारों ने सही जवाब दिया है, बिल्कुल सही है, और मैं हर प्रश्न में सारी चीजें इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि अभी ये प्रैक्टिस चल रही है, करवाने को मैं इसे फटाक फटाक से वैसे भी करवा देता कि ये लगाइए ऐसे कीजिए, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिए प्रैक्टिस आप अच्छी करोगे तो मैच में जाके ज्यादा बेटर खेल पाओगे, क्योंकि मैच के समय आपको अच्छा खेलना है तो प्रैक्टिस बहुत ही मजबूत आपको करनी होगी, और प्रैक्टिस में ऐसे नहीं सोचें कि इस चीज को बार बार हम क्यों देख रहे हैं। ध्यान से देखिए कि शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार इसे हमें लिखना है, और
बताना है कि कौन सा क्रम बनेगा, तो वही काम आपको सबसे पहले जो इनमें कॉमन है उसे ढूंढेगा। तो आप कहते सर एच ही सभी में कॉमन है, एच ही तो सभी में कॉमन है भाई, तो एच ही को तो काट दीजिए इनमें, जहां भी एच ही दिख रहा है वो तो काट दीजिए, सभी स्पेलिंग में एच ही तो कॉमन है साहब। उसके बाद मैं आपसे ये कहता कि अलग वाले का मामला देखिए, तो एक जगह आपके पास आई है, यहां पर आई है, एक जगह आर है, एक जगह एफ है, एक जगह ए है, एक जगह ए और है, तो एक जगह आर है, एक जगह एफ है और दो जगह ए है, डबल ए है, एक साथ लिख लें, आगे पीछे लिख लें, कैसे भी लिख लें, ये जरूर लिखें। इनको लिखने के बाद आप पांच कुर्सियों का अलॉटमेंट करें कि एक नंबर कुर्सी किसको मिलेगी, दो नंबर किसको मिलेगी, तीन नंबर किसको मिलेगी। यदि कोई डबल आ गया, जैसे ए डबल आ गया, तो उनके लिए दो लगातार कुर्सियां छोड़िएगा आप। तो चलिए अब इनके लिए मैं कुर्सियां अरेंज करता हूं। तो आप कहते सर ए सबसे पहले आएगा, ए सबसे पहले, तो ए दो बार है, तो एक नंबर कुर्सी और दो नंबर कुर्सी ए वालों को पकड़ा दीजिए आप। उसके बाद में ए के बाद में आई आएगा कि आर आएगा कि एफ आएगा, तो मैं कहता कि आप एफ लगाइए साहब, तीन नंबर पे एफ आएगा, क्योंकि एफ वाली मीनिंग ए के बाद आ जाएगी, क्योंकि इन पांच में से। फिर एफ के बाद में आई या आर आएगा, तो आप कहते आई आएगा, चार नंबर पे आई वाली मीनिंग और पांच नंबर पे आर वाली मीनिंग। तीन पोजीशन तो निश्चित हो गई है, लास्ट पोजीशन निश्चित हो गई है कि आर वाली है, एच ई के बाद आर है, वो लास्ट आएगा, तो लास्ट नंबर होगा तीन वाली का, तीन वाली पांच नंबर पे आएगी, सबसे लास्ट में आएगी तीन वाली, तीन सबसे लास्ट में जिस ऑप्शन के है वो उत्तर होगा। तो बी और डी ऑप्शन तो कतई सही उत्तर नहीं होने वाले, बी और डी ऑप्शन तो कोई सा भी सही नहीं होगा इन दोनों में से। आप देखिए उसके बाद भी आपसे कोई ये कहे चौथे स्थान पे, तो आई वाली यानी चौथे स्थान पे एक नंबर आएगा, तो चौथे स्थान पे एक नंबर आएगा साहब, तो लास्ट में जिसके तेरा आएगा वो उत्तर होगा, ऐसे भी फाइन कर सकते थे। सी ऑप्शन यहां से सही जवाब आता, प्रियंका मोनिका सभी का सही है। तो ऐसे इनको ढूंढते हैं। अब किसी को ऐसा लग रहा हो कि सर हम तो तीन नंबर लास्ट वाले ना ढूंढ के तीन नंबर वाला भी फिक्स करना चाहते थे, तो तीन नंबर वाला फिक्स कर लीजिए, एफ वाली मीनिंग तीन नंबर पे आती, एफ कहां लिखा हुआ है पांच नंबर, तो पांच नंबर वाली तीन नंबर पे आती तीसरे स्थान पर। शुरुआती दो मीनिंगे ढूंढनी है, तो ए के नेक्स्ट लेटर को टारगेट कीजिए, एक जगह ए के बाद वी है और दूसरी जगह भी ए के बाद में वी है, फिर वी के बाद में एक जगह वाई है और एक जगह ई है, तो ई वाली मीनिंग पहले आ जाएगी, यानी चार नंबर मीनिंग सबसे पहले आएगी और दो रोल नंबर वाली मीनिंग दूसरे नंबर पे आएगी, यानी आपका जो क्रमांक बनता वो चार नंबर क्रमांक सबसे पहले, फिर दो नंबर का क्रमांक, फिर पांच नंबर वाला क्रमांक, फिर एक नंबर और फिर तीन नंबर, तो क्रमांक बन जाता आपके पास ये चार दो पांच एक तीन। सी ऑप्शन आप राइट आंसर कह रहे होते, बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। हाँ चलिए दसवें नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, सेम वैसी ही बातें हैं, डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, लेकिन ध्यान से देखिए, शब्दों को शब्दकोश के क्रम में आते हैं उसके उल्टे क्रम में व्यवस्थित करना है, ध्यान से देख लेना प्रश्न क्या कह रहा है, शब्दकोश का क्रम तो लगाना है लेकिन उसका उल्टा लगाना है भाई, तो तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा, चार हैं डिक्शनरी ऑर्डर पे लगाएंगे तो सीधे से जो तीसरा आएगा वो नहीं पूछा है, जो उल्टे से तीसरे पे आएगा, मतलब जो सीधे से दूसरे पे आएगा वो उत्तर पूछ रहा है आपसे, प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ऐसी भी परीक्षा में बातें आई हुई हैं। हाँ अब मैं इसे डिक्शनरी का सीधा क्रम लगाता हूं, सीधा क्रम में लगाता तो ओ मुझे सभी में कॉमन दिख रहा है, ओ सभी मीनिंग्स में कॉमन है, तो जहां से विभिन्नता पाई जाती है वहां से अपना काम स्टार्ट होगा, तो एक जगह आर नजर आ रहा है दूसरे पहले इस पे, दो जगह मुझे डी नजर आ रहे हैं और एक जगह मुझे सी नजर आ रहा है, तो मैं कहता सी वाली स्पेलिंग नंबर एक पे आ जाती, क्योंकि सी पहले आता है एबीसीडी में, तो इसका नंबर एक होगा भाई, इसका नंबर एक होगा, और उल्टे से देखें तो सबसे लास्ट होगा, वैसे नंबर एक होगा, उल्टे से देखें तो नंबर इसका चार होगा भाई, उल्टे से, यहां मैं उल्टा क्रमांक लिख रहा हूं क्योंकि प्रश्न चाहता है उल्टे क्रम में लिखिए, जो एक नंबर है वो सबसे लास्ट वाला है, मतलब चार में से लास्ट वाला चार हो गया, ये सबसे अंतिम होगा,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिक्शनरी में तो पहला होगा लेकिन प्रश्न चाहता है उल्टी तरफ से लगाइए निशान, तो पहले मैं सीधा निशान लगा रहा हूं फिर उल्टा कर लेंगे उसको। अब आप मुझे बताइए सी के बाद डी आएंगे तो डी की दो कुर्सी हैं, तो आप कहेंगे सर दो नंबर और तीन ही होंगी और चार नंबर आर की होंगी, चार नंबर तो निश्चित हो गया, तो चार नंबर वाली कौन सी स्पेलिंग आएगी जिसमें ओ के बाद में आर आ रहा है, तो ये चार नंबर पे आएगी, इसका नंबर चार आएगा। उधर लास्ट लिख रहा हूं तो उल्टे से लगाएंगे तो नंबर एक आएगा, इधर मैं उल्टे क्रमांक लिख रहा हूं इनके, इधर सीधे हैं जैसे डिक्शनरी में होते हैं। पहला नंबर चौथा नंबर डिसाइड हो गया है, दो और तीन ढूंढना चाहता हूं, तो डी डबल है तो डी के आगे चले जाइए, डी के बाद में दो जगह दोनों ही जगह आई आ रहा है, एक जगह यू आ रहा है और एक जगह ओ आ रहा है, तो ओ वाली मीनिंग पहले और डी वाली बाद में, तो ओ वाली का नंबर दो हो जाएगा, तो ओ वाली का नंबर दो हो गया और इसका नंबर तीन हो गया। पहले नंबर पे डी ऑप्शन, फिर दूसरे पर बी ऑप्शन, फिर सी ऑप्शन तीसरे पे और सबसे अंतिम चार। अब उल्टे क्रम से व्यवस्थित करें, यानी जो चौथा है वो तो पहला हो गया, पहला है वो चौथा हो गया, जो दूसरा है वो तीसरा हो जाना है और जो तीसरा है वो दूसरा हो जाना है। तो प्रश्न कह रहा है उल्टे से तीसरे स्थान पर कौन आएगा, उल्टे से तीसरे स्थान पे वो आएगा जो सीधे से दूसरे स्थान पे है, तो बी ऑप्शन यहां से आपका राइट आंसर होता, सेकंड। हाँ बी इज द एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया है उन सभी का सही विकल्प है। हाँ तो कई बार ऐसे उल्टे वाला भी कह देता है कि उल्टे से व्यवस्थित कीजिए सीधे से ना करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां कर दीजिए आप फटाक से, क्वेश्चन नंबर 11वें का सही जवाब क्या होता, और इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ होती है जैसे ही क्लासें खत्म होती हैं पूरा टॉपिक खत्म होता है तो टॉपिक की पीडीएफ मैं आसू जी के ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करवा देता हूं, वहां जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। कुछ लोग पहले से भी जुड़े हुए हैं, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो टेलीग्राम पे जाइए और आसू जी के ट्रिक टेलीग्राम को सर्च कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है वहां से भी आप पहुंच सकते हैं। हाँ चलिए तो इस क्वेश्चन में देखते हैं विकल्प में से शब्दकोश के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन आता, तीसरा स्थान पूछ रहा है सीधे से ही, तो मैं फटाक फटाक से अब कर देता, जहां तक कॉमन है उसे तो छोड़िएगा, पीए 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 सभी में कॉमन है, पी के बाद एक कॉमन चीज कोई एड्रेस नहीं बताएगी, उसके बाद में पीए के बाद में एक जगह एस है एक जगह टी है, फिर अगेन एस है एक जगह टी, तो दो जगह एस है और दो जगह टी है। नंबर अलॉट करेंगे तो एस पहले आता है टी बाद में, तो एक नंबर और दो नंबर की कुर्सी, डबल एस है तो दो कुर्सी देंगे, डबल एस है एस पहले आएगा तो एक नंबर और दो नंबर की कुर्सियों पे तो एस बैठेगा, टी तीन नंबर और चार नंबर की कुर्सियों पर ये टी वाले बैठेंगे, लेकिन टी के नेक्स्ट लेटर को देख के पता करेंगे कि नंबर तीन किसका डिसाइड होगा और नंबर चार किसका डिसाइड होगा, तो मैं पहला और दूसरा डिसाइड नहीं करना है, देखिए तीसरा स्थान डिसाइड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मैं पहले और दूसरे में वक्त नहीं लगाऊंगा, निकालना तो आना चाहिए लेकिन परीक्षा में मैं टाइम इन पे खर्च नहीं करूंगा कि पहला और दूसरा कौन, तीन चार में है तो तीन चार कुर्सियां मैं लगा चुका हूं कि टी वाली आएंगी तीन नंबर और चार नंबर पे, तो टी के नेक्स्ट लेटर को टारगेट कीजिए, सी विकल्प में टी के बाद में आई है और यहां टी के बाद में एच है, एच पहले आता है कि आई, तो आप कहेंगे सर एच ही पहले आता है, तो तीन नंबर एच वाली और आई वाली चार नंबर, तो तीन नंबर तय करना था तो टी के बाद एच वाली, तो टी के बाद एच वाली डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता। शुरुआत से आप क्लास को देख रहे हैं तो आप सभी को ये चीजें समझ में आने लग गई होंगी। हाँ बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रियंका जी ए लगा रहे हो ग्यारहवें में, शब्दकोश के अनुसार तीसरा ए वाला तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वहां तो एस आ रहा है, एस वाली तो पहले एक नंबर दो नंबर, कोई आपसे पूछे कि हमें तो ये भी डिसाइड करके बताइए कि नंबर एक पे कौन सा मीनिंग आएगा और नंबर दो पे कौन सा आएगा, तब आप ये कहेंगे कि एस के बाद में एक जगह तो एस है और दूसरी जगह टी है, तो टी पहले आता है एस से, तो एक नंबर डबल एस वाली मीनिंग और एस टी वाली का नंबर दो, यानी सबसे पहला नंबर मिलता एक नंबर को, दूसरा नंबर मिलता बी ऑप्शन को, तीसरा नंबर मिलता टी एच के बाद इसको और चौथा नंबर मिलता इसको, तो तीसरा उसने पूछा है तो डी ऑप्शन आप राइट आंसर उसे कह रहे होते। आसान चीजें हैं लेकिन ये प्रैक्टिस मांगती हैं, इसमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ ये ध्यान देना है पहला अक्षर यदि सेम है
तो उसे छोड़ दीजिएगा, वो डिक्शनरी का कोई एड्रेस नहीं बताएगा। फिर दूसरे अक्षर को जांचिएगा कि दूसरा अक्षर भी सेम है या भिन्नता है उसमें, तो आप दूसरे को भी सेम देखें तो उसे भी छोड़ दीजिएगा। तीसरी पोजीशन पे जाइएगा तो वहां एक भी अक्षर अलग दिखे, जैसे देखो दो जगह मुझे एस दिखा तीसरी पोजीशन पे लेकिन फिर टी दिख गया, तो यहां से मैंने लिखना चालू करा कि जहां भिन्नता आई वहां वहां कौन कौन से अक्षर है, फिर उसे एक दो तीन चार जितनी भी मीनिंग है, पांच तक हो सकती है मीनिंग, उनके रोल नंबर दीजिए कि पहला नंबर किसको मिलेगा, दूसरा किसको, तीसरा किसको। जैसे डबल एस है और डबल टी है तो टी बाद में आता है, एस पहले आता है, तो एस वाली मीनिंगों को मैंने दो स्थान लोट किए हैं, फिर टी वाली भी डबल है तो उसको भी दो स्थान लोट किए हैं। फिर एस में भी निश्चित करने के लिए कि पहला कौन दूसरा कौन, तो उसके नेक्स्ट वाले अक्षर को हमने देखा है, तो नेक्स्ट वाले अक्षर को भी ए टू जेड देखेंगे कि अल्फाबेट में पहले आने वाला पहले पड़ जाएगा और बाद में आने वाला बाद में पड़ जाएगा। बिल्कुल, तो सारी चीजों के बेसिक हमने डिस्कस करे हैं। चलिए और देखते हैं दो चार क्वेश्चन जो भी अगली 5 10 15 मिनट तक आप देख सकते हैं। दिए गए विकल्पों में से शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द अंतिम स्थान पर आएगा, लास्ट वन कौन सा होगा इसमें से। हाँ, गुड इवनिंग, राम राम, सभी का स्वीकार कर लिया है। प्रश्न पे आप कंसीडर करें कि इनमें से कौन सा विकल्प होगा। फटाक से शब्दकोश अनुसार सबसे लास्ट कौन आएगा, शब्दकोश में अंतिम स्थान पर कौन आएगा, ये आपको तय करना है। इनमें से अंतिम स्थान पर कौन आएगा, तो फटाक से आप जो कॉमन है उसे छोड़ दीजिएगा। एस एच कॉमन है सभी में, एस एच सभी मीनिंगों में कॉमन है, कॉमन को आप छोड़ दीजिएगा। कॉमन के अलावा क्या क्या है आपके पास, तो आप कहते सर एक जगह ई है, ओ है, फिर ई है, आई है, तो दो जगह तो मेरे पास ई है, दो मीनिंगों में तो तीसरी जगह पे ई है, कॉमन के बाद दो जगह ई है, एक जगह ओ है और एक जगह आई है। तो अब मैं कहता हूं इनको एक दो तीन चार रोल नंबर अलॉट कीजिए, तो सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे सर ई में, ओ में और आई में, अल्फाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ई आएगा, लेकिन ई दो है तो दो कुर्सियां दीजिएगा उसे, एक नंबर दो नंबर ई पहले आएगा तो एक नंबर दो नंबर की कुर्सियां ई को दीजिए, फिर तीन नंबर की कुर्सी ओ को देंगे कि आई को, तो आई पहले आता है तो तीन नंबर ये अकेला ही है तो अकेली कुर्सी लेके बैठ जाएगा, और ओ भी अकेला है तो ये चार नंबर कुर्सी लेके बैठ जाएगा। प्रश्न ये पूछे कि शब्द अंतिम स्थान पर कौन सा आएगा, तो ओ वाला आएगा, तो सी ऑप्शन आपका यहां से राइट आंसर हो जाता, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता, अंतिम तो आराम से ढूंढ सकते थे। हाँ, ओमवीर सभी ने सी सही जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। तो ज्यादातर इतनी आसान चीजें ही होती हैं, लेकिन बीच बीच में मैंने जो अरेंजमेंट वाले दिए कि थोड़ा सा डीप अरेंजमेंट भी आपके पास उसमें हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखें इनमें, और ऐसे नहीं है कि बहुत हैवी क्वेश्चन या कुछ डीप डेप्थ में कुछ होता है, वैसा कुछ भी नहीं होता है। ये अंतिम से अंतिम स्टेप है शब्दकोश की, जो भी आज हमने 10, 12, 13, 15 क्वेश्चन में देखी है। 13वें नंबर में देखिए कौन सा शब्द है वो चौथे स्थान पर आएगा, कौन सा शब्द है इनमें से चौथे स्थान पे आएगा। ढूंढने के लिए सबसे पहले कॉमन को देखिए, एक्स वाई एल ओ, एक्स वाई एल ओ पी, एक्स वाई एल ओ पी एच, एल ओ पी, केवल पांच, एक्स वाई एल ओ पी, 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 पांच पांच अक्षर कॉमन है, जितने कॉमन अक्षर हैं पांच उन सभी को छोड़ दीजिए, ये कभी भी डिक्शनरी का एड्रेस आपको देंगे नहीं। उससे अगला देखा, एक जगह एच है, एक जगह वाई है, अगेन एच है और एच है, तीन जगह एच नजर आया मुझे, तीन जगह मुझे एस नजर आया है और एक जगह वाई नजर आया है, एक भी जगह अलग आ गया तो आप क्रमांक देना निश्चित कर दें। H पहले आता है कि Y ABCD में, तो आप कहते हैं सर H ही पहले आता है Y बाद में, तो H वालों को पहले कुर्सी दीजिए, तीन कुर्सी H जने लेंगे, एक नंबर दो नंबर और तीन नंबर, इन तीनों को मिलेगा, पता नहीं एक नंबर किसको मिलेगा, दो नंबर किसको मिलेगा या फिर तीन किसको मिलेगा, लेकिन तीन कुर्सी मिलेंगी H वालों को पहले, फिर Y का नंबर आएगा तो Y को नंबर मिलेगा चार, सबसे लास्ट मिलेगा वाई वाली मीनिंग को, तो सबसे लास्ट सी को मिलेगा और सबसे लास्ट ही पूछा है, सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाता, परीक्षा वाले ने सबसे लास्ट ही पूछ रखा है। यदि मान लो वो आपसे कहता कि लास्ट नहीं थर्ड चाहिए, तो फिर H के आगे जाते, H के आगे एक जगह I है,
उधर एच के आगे जाते एक जगह ए है और ए है दो जगह ए है, तो आप कह सकते हैं कि ए पहले आएगा आई बाद में, तो दो एक नंबर और दो नंबर कुर्सियां यही बांटी जाएंगी, तीसरी कुर्सी एच आई वाले को बांटी जाएंगी, फिर ए के भी नेक्स्ट में देखते तो ए के नेक्स्ट में देखते तो दोनों जगह जी है और जी है दोनों ही जगह पर, लेकिन फिर भी तय नहीं हो रहा है तो आगे यू और ए है, तो ए वाले को नंबर एक मिल जाएगा और इसको नंबर दो मिल जाएगा, इसको तीन और इसको चार, ऐसे आप देख चुके हैं। बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही है मनोज जी। हाँ सभी लोग रीजनिंग में अच्छा स्कोर करेंगे इन फ्यूचर। हाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर आने लग गए हैं सभी के। चलिए तो एक आध क्वेश्चन और देख लीजिए, 15 क्वेश्चन आपके लिए मैंने अरेंज करे थे जिनमें सभी चीजें काम में आ जाएं। शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दूसरे स्थान पर आएगा, भाई दूसरे वाला स्थान देखना है तो फटाक से देख दीजिए आप, दूसरा स्थान देखना है। पहला स्थान तो यहां से काट दीजिए, पहले दो दो अंकों को तो काट दीजिए, ईए तो सभी में कॉमन है, आप कहेंगे ईए तो सर सभी में कॉमन है तो ईए को तो काट दीजिए, फिर देखेंगे एक जगह एस नजर आ रहा है, यहां भी चौथे में भी एस है तो दो जगह तो एस है और तीन जगह आर है, ईए आर तीन जगह आर है तो पहले इनको देखेंगे, देखो भिन्नता आ जाए उनको लिखेंगे, तीन बार आर आ गया दो बार ऐसा गया तो भिन्न शब्द आते अक्षर आते ही उसे लिख लेंगे, फिर भिन्न में भी क्या करेंगे कि आर और एस है तो आर पहले आता है कि एस, तो आप कहेंगे आर पहले आ जाता है सर, तो एक नंबर कुर्सी आर को मिलेगी, दो नंबर भी आर को मिलेगी और तीन नंबर भी आर को मिलेगी क्योंकि तीन आर है तो तीन कुर्सी तो उनको चाहिए, फिर चौथी कुर्सी एस वालों को मिलेगी और पांचवी एस वालों को ही मिलेगी क्योंकि डबल एस है। अब पहली किसको दूसरी किसको तीसरी किसको उसके लिए इनके नेक्स्ट लेटर को टारगेट कीजिए, तो आर के बाद में एक जगह तो आर के बाद में खत्म ही हो गया, जो खत्म हो गया वो सबसे पहले आ जाएगा साहब, छोटी मीनिंग सबसे पहले जो खत्म हो गई उसका नंबर एक, यानी तीन नंबर सबसे पहले आता, तीन नंबर विकल्प वाला सबसे पहले आ जाता ईएआर सबसे पहले, लेकिन उसने पूछा है कि दूसरा कौन, तो फिर आर के नेक्स्ट वालों के पास चलेंगे, तो यहां आर के आगे एक जगह टी आ रहा है और आर के आगे एक जगह एम आ रहा है, तो एम वाली मीनिंग टी से पहले आ जाएगी, तो दो नंबर की कुर्सी एम वाले को मिलेगी, तो एम वाला ई ए आर एम, यानी कि दो नंबर पे ये दो नंबर वाली मीनिंग आती ई ए आर एम ए आर के, ई ए आर एम ए आर के ए ऑप्शन में लिखी हुई है वो स्पेलिंग, तो ए ऑप्शन आपका यहां से राइट आंसर होता। अनिल चिराग जी आपने दो नंबर, हाँ दो नंबर, वो दो नंबर कैसे लगा रहे हो, वो वाला दो नंबर सही है, ऑप्शन आपको ए लगाना था, चौदहवे नंबर में बी बता रहे हैं। हाँ अशोक जी क्लास को शुरू से ज्वाइन कीजिएगा आप, जो भी शुरू से एंड तक ज्वाइन है, जिन भी बीच में जुड़े हैं वो हमेशा ये ध्यान रखिए मैं टॉपिक के शुरुआत में बिल्कुल बेसिक बोलता हूँ, आप क्लास को शुरू से एंड तक देखेंगे तो आपके दिमाग में ये रहेगा ही नहीं कि कौन सी चीज समझनी है कौन सी नहीं, सारी चीजें समझ में आएंगी, बस दिक्कत यह है कि क्लास में कोई तो क्लास खत्म होने वाली होती है तब ज्वाइन होता है तो फिर दिक्कतें फेस करने को मिलती हैं कि पुरानी बातें उसने सुनी ही नहीं है और यदि वो सुनेगा ही नहीं तो उसको एग्जैक्ट ठीक से कैसे कर पाएगा। हाँ क्लास में शुरू से देखें आप और अभी क्लास खत्म हो जाए उसके बाद भी आप शुरू से देख सकते हैं उसको, क्योंकि ऑनलाइन में यही फायदा है कि आप रिपीट भी देखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग से उसे देख सकते हैं। शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार इन्हें लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो इनमें एस तो सभी में कॉमन है, आप कहेंगे सर जो कॉमन है वो तो एड्रेस बताएगा नहीं, एस तो सभी में कॉमन है, चारों विकल्प जो पांचों मीनिंग है उनमें एस कॉमन है, एस के बाद क्या क्या है तो एक जगह आई है फिर एच है आई है आई है और एच है, यानी दो जगह तो एच है और तीन जगह आई है, तीन बार आई है कॉमन के बाद में, विभिन्न आ जाएं कॉमन के बाद में अलग अलग आए उसको लिख लें, तो दो जगह एच आया है तीन जगह आई आया है, तो आप ये कहेंगे इनको हम ए टू जेड क्रमांक दें तो एच पहले आएगा कि भाई आई, तो आप कहेंगे सर एच ही पहले आएगा, आई से पहले आता है इंग्लिश अल्फाबेट में, तो दो बार एच आ रहा है तो एक नंबर और दो नंबर दो कुर्सी इन दोनों को देंगे, तीन चार और पांच नंबर की कुर्सियां आई वालों को देंगे। अब आप ये कहेंगे कि सर
दूसरी किसको देंगे, पहली किसको देंगे, ये तय करें। तो H डबल है तो इनके आगे वाले नंबर को देखिए, H के बाद एक जगह आ रहा है R और H के बाद एक जगह फिर R आ रहा है, H के बाद दो जगह R आ रहा है, अभी भी तय नहीं कर पाया। तो H के बाद एक जगह E आ रहा है और एक जगह R के बाद I आ रहा है, एक जगह E और I, तो आप कह दीजिए E पहले आएगा और I बाद में। तो एच आर ई जहां आ रहा है वो एक नंबर वाली मीनिंग है, फिर दो नंबर वाली है एच आर आई वाली। तो एच आर ई वाली एक नंबर पे, तो तीन नंबर सबसे पहले आएगा साहब, तीन नंबर सबसे पहले, तीन नंबर वाली सबसे पहले आएगी और एच आर आई दो नंबर वाली उसके बाद आएगी। यानी 32 से स्टार्ट होगा, विकल्प 32 से स्टार्ट होगा, वो दो जगह स्टार्ट है तो ये भी हमें खोजने पड़ेंगे। तो आई के बाद देखिए एक जगह सी है यहाँ पर आई के बाद में, और दो जगह एन है, तो आप कह सकते हैं कि सी वाली पहले आएगी तो नंबर तीन इसका आएगा। चार और पांच अभी डिसाइड नहीं हुआ है, तो तीन नंबर पे आई सी वाली आएगी, तो आई सी एक नंबर आएगा, यानी कि 321 से स्टार्ट होगा काम। तो 321 से स्टार्ट ए ऑप्शन हो रहा है, उसे लगा देते, पूरा खोजने की आवश्यकता नहीं है, बीच में पता चल जाए तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे डिक्शनरी के, और आज हमने 15 क्वेश्चंस को देखा, विभिन्न प्रकार के ये क्वेश्चन। जो 20 से ज्वाइन हुए थे वो क्लास को शुरुआत से जाके देख लें, और पुराने वीडियो आपने नहीं देखे हैं अल्फाबेट वगैरह के, या उससे पहले गणितीय संक्रिया कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, उन सभी को यदि नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, आसू जीके ट्रिक चैनल की प्लेलिस्ट में आपको वो सारी चीजें बिल्कुल क्रम दर क्रम से सिलसिलेवार तरीके से अरेंज हैं, वहां आप वन बाय वन करके देख सकते हैं, वो ज्यादा फायदा करेंगी। कोई भी टॉपिकों को आप क्रम से देखते हैं तो वो ज्यादा फायदा करता है, और शुरू से एंड तक जुड़े आप उसमें तो वो और भी ज्यादा बेनिफिट करेगा आपको, फिर प्रैक्टिस की भी कम जरूरत पड़ेगी आपको। साथ में कॉपी पेन लेकर बैठ सकते हैं जब दोबारा उसे देख रहे हो, तब वो थोड़ा सा और अलग तरीके से आपको बेहतर बनाएगा। बाकी तो आप क्लास में जो शुरू से एंड तक जुड़ते हैं उनको तो खुद ही पता है कि क्या चीजें उनको सीखने में आ रही है, क्या नहीं आ रही है। तो उम्मीद करता हूं कल वाली क्लास में भी आप टाइम से जुड़ेंगे और पूरी क्लास लेंगे। तो चलिए इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं उन सभी का दिल से धन्यवाद, कल मिलते हैं तब